जब लड़कियों की शादी होती तो सबसे बड़ी परेशानी की बात होती है कि माँ बनेंगे या नहीं बनेंगे या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी तो जब लड़की पंद्रह साल सोलह साल की आई और वो गूगल सर्च करके आती कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो उसमें लोग बहुत ज्यादा घर में बैठे बट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में और इसका रीजन है कि जो लड़कियां बिल्कुल ठीक थी अब सबके पीरियड दो महीने तीन महीने डिले हो रहे हैं सबके हेयर ग्रोथ बढ़ रहे हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात आती है पीसीओडी और पीसीओएस को लेकर आजकल जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है ये समस्या महिलाओं में ज़्यादा प्रचंड हो चली है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश भर में पांच में से एक महिला पीसीओएस से जूझ रही है लेकिन कुछ महिलाओं को पीसीओडी भी होता है अब पीसीओएस पीसीओडी में क्या फर्क होता है क्या इसका इलाज संभव है क्या पीसीओडी या PC... अगर किसी को होता है तो क्या वो महिला माँ बन सकती है इस तरह के तमाम क्वेश्चन हैं जो कि आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल कोई डॉक्टर नहीं है आपको ये तमाम सवाल डॉक्टर से पूछने चाहिए इसलिए न्यूज तक लेकर आया आपके साथ डॉक्टर डिपार्टमेंट से है यानी कि डॉक्टर सुमन लाल मेरे साथ इस वक्त है एसोसिएट डायरेक्टर है गायरोकोलॉजी डिपार्टमेंट में मैक्स हॉस्पिटल डेली से बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे प्रोग्राम में श्रेया बहुत बहुत धन्यवाद तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया मैं बहुत खुश होंगी कि इस तरह की जो भ्रांति है लोगों में कि पीसीओ में क्या करना चाहिए और एक डर बना हुआ है उसको हम लोग ठीक कर सके अपने बातों के दौरान जानकारी के दौरान मैम अगर यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस को लेकर टाइप करें तो उसमें कई तरह के घरेलू नुस्खे आते हैं या फिर लोग योगा बताते हैं लाइफस्टाइल को लेकर बताते हैं लेकिन इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि पीसीओएस और पीसीओडी में आखिर फर्क क्या होता है पीसीओडी मीन्स होता है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पीसीओएस मतलब होता है कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बेसिकली एक हार्मोनल इम्बेलेंस होता है लड़की के शरीर में जनरली ये स्टार्ट होता है 15-16 साल की अवस्था में बट कभी भी लाइफ में कभी भी शुरू हो सकता है तो इसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जैसे कि महावारी का नियमित समय पे नहीं आना या फिर एक्नी होना मैंने फेस पे मुहासे होना बॉडी में हेयर ग्रोथ बढ़ जाना वजन का बढ़ना जरूरी नहीं है सब महिलाओं में सारी चीजें आए किसी में कुछ और किसी में कुछ आ सकता है इसलिए हम इसको सिंड्रोम कहते हैं कि मतलब एक तरह से एक को किसी प्रॉब्लम हुई दूसरे को कोई प्रॉब्लम हुई सब एक तरह से सिंड्रोम के अंदर आया उसमें देखा गया कि कुछ वुमेन में या मोस्ट ऑफ दुमन में जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो ओवरी में छोटी, छोटी 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 सिस्ट मिलती है बहुत सारी इसको हम लोग कहते हैं बहुत सारी ओवेरियन डिजीज़ मतलब ओवरी में बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट मिलेगी यह एक तरह से जो पीसीओएस है उसी का एक अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग है तो आइडियली पीसीओएस एंड पीसीओडी एक ही चीज है लेमैन के लिए अगर ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग uh, चीज बताई है लेकिन ये होता कैसे है जैसे आपने कहा कि हाबुलर इम्बेलेंस है तो जैसे मैंने कई लोगों से इससे पहले बात किया आपसे बा, आपसे बात करने से पहले तो कई लोगों ने जो कि मैरिड भी हैं या फिर मैरिड uh, नहीं भी हैं पीसीओडी से जूझ भी रही है तो वो कहते हैं कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है कोई कहता है कि ये लाइफ प्रॉब्लम है कोई कहता है कि बस ये हो जाती है कैसे होती है नहीं पता तो आप ये बता दीजिए कि आखिर क्या ये जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर ये लाइफ से जुड़ी हुई है होती क्यों है अगर हम पीसीओएस की बात करते हैं तो ये आइडियली तीनों कारण से होती है जेनेटिक भी होती है लाइफस्टाइल से भी होती है और इसका कारण नहीं भी पता है इसलिए क्योंकि जैसे हम डायबिटीज की बात करते हैं कि आपके किसी को डायबिटीज होती है उसके फैमिली में डायबिटीज होने की संभावना बच्चों को ज्यादा होती है परंतु कोई जरूरी नहीं कि सारे बच्चों को डायबिटीज होगी और उसके अलावा अगर बच्चों को पता है कि डायबिटीज हो रही है और वो लाइफस्टाइल ठीक करते हैं तो उनमें डायबिटीज बढ़ने की संभावना कम होती है उसी तरह से एक फीमेल जिसके की फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है जिसमें अदर हाइपोथाइडिसम की हिस्ट्री है जिसके फैमिली में ओबेसिटी की हिस्ट्री है उनमें पीसीओएस की प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है इसलिए हम मान के चलते हैं कि कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इसका है परंतु अगर हम लाइफस्टाइल पे आते हैं और लाइफस्टाइल को ठीक से नहीं देखा गया उसका चेकअप ठीक से नहीं किया गया तो ये डिजीज बढ़ जाती है जब लड़कियों की शादी होती तो सबसे बड़ी परेशानी की बात होती है कि माँ बनेंगे या नहीं बनेंगे या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी अगर हम बात करते हैं कि 100 पी को अगर हम लेते हैं पेशेंट्स को उसमें सिर्फ पांच से दस परसेंट ऐसे होते हैं जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चा होने में में मोस्ट ऑफ़ दी प्रॉब्लम इसलिए कि उनके पीरियड इरेगुलर होते हैं मतलब दो महीने पे पीरियड आ रहे हैं तीन महीने पे पीरियड आ रहे हैं इसका मतलब है कि उनके जब पीरियड आ रहे हैं उस समय पता नहीं है कि ओवलेशन कब हुआ है या ओबलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है तो वो उस तरह से प्लानिंग नहीं कर पाते तो एज अ डॉक्टर हम उनको थोड़ा ओवोलेशन ट्रिगर देते हैं जिससे कि महीने महीने पीरियड आए और एक फिक्स टाइम पे उनका ओवलेशन होने लग जाए उससे वो प्रेग्नेंट हो सकती है कभी कभी हार्मोनल इम्बेलेंस बहुत ज्यादा होता है तो हम उन्हें कुछ दवाया देते हैं जिससे उनके हार्मोनल इम्बेलेंस कम हो जाए और उसके बाद वो आसानी से प्रेग्नेंट हो जाती है तो जब लड़की पंद्रह साल सोलह साल की आई और वो गूगल सर्च करके आती कि मैं प्रेगनेंट नहीं हो पाती तो हमें ये बहुत जरूरी होता बताना कि नहीं ऐसा नहीं है इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ को आप ठीक रखें कुछ दवाओं की जरूरत है वो जरूर लें जिससे कि आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो इससे रिलेटेड प्रेगनेंसी जब आप मैरिज होगा और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी उस समय हम बहुत सारे छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे आपको प्रेगनेंसी हो सकती है ऐसा नहीं है कि हर पीसीओएस को आईवीएफ के लिए ही जाना पड़े ये गलत सोच है ऐसा नहीं होता ये तो आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी कुछ बीमारियां या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि क्योरेबल होती हैं कुछ होती हैं जो ट्रीटेबल होती हैं ये पीसीओएस या पीसीओडी जो है क्या ये ट्रीटेबल है या क्योरेबल है हम पीसीओएस को भी ट्रीट नहीं करते हैं हम उससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको ट्रीट करते हैं या उसको प्रिवेंट करते हैं इसी को लेकर अब लाइफस्टाइल के बारे में अगर बात करें तो हम देखा है कि कुछ सालों में लोग ज्यादा पीसीओडी या पीसीओ इसको को लेकर बात करने लगे हैं कई लोग जो हैं हमें नहीं मालूम कि पिछले सालों में या पिछले कुछ मतलब पिछले दस सालों में आ, से पहले क्या होता था लोग पीसीओ के बारे में कितना अवेयर थे कितने अवेयर नहीं है लेकिन हाल ही के सालों में देखा है कि काफी ज्यादा लोग इसके बारे में बात करते हैं कई लड़कियां जो है वो सामने आती हैं कि वो पीसीओडी या पीसीओएस से जूझ रही है क्या लाइफ जो है हमारी जो लाइफ है भागा दौड़ की जो लाइफ है हमारी चाहे वो वर्क प्लेस हो चाहे हमारी फैमिली लाइफ हो उसको लेकर जो टेंशन है क्या इससे भी पीसीओडी या पीसीओ बढ़ता है ये श्रेया ये बहुत जरूरी है जानना कि जो हॉमोनल इम्बेलेंस है सबसे ज्यादा हमारी लाइफ से बढ़ता है जेनेटिक प्रीडिपोजिशन होना एक अलग बात है बट लाइफस्टाइल से ये बहुत तेजी से गड़बड़ होता है हॉर्मोन्स और उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस आती है वो लाइफस्टाइल गड़बड़ होने से आती है लाइफ में यस yes, स्ट्रेस होती है और अभी की जो लाइफ चल रही है उसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है जैसे अभी अगर हम लोग देख रहे हैं कोरोना का जो डेढ़ साल से हुआ है तो उसमें लोग बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा घर में बहुत में बैठे स्ट्रेस और इसका रीजन है कि जो लड़कियां बिल्कुल ठीक थी अब सबके पीरियड दो महीने तीन महीने डिले हो रहे हैं सबके हेयर ग्रोथ बढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम जहां लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस को लेके आते हैं तो उसके कारण हार्मोनल इम्बेलेंस बढ़ जाता है तो अब क्योंकि हमने प्रॉब्लम के बारे में बात कर ली और डॉक्टर हमारे साथ हैं तो अब इसका फायदा उठाते हुए आपसे सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे सोल्यूशन क्या है कैसे इसको ठीक मेंटेन करे, करें अपनी लाइफ को कैसे बदले तो फर्स्ट थिंग इट कम्स एज द लाइफ मॉडिफिकेशन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में जब हम बात करते हैं तो इसमें हम एक्सरसाइज की बात सबसे पहले करते हैं सेकेंड थिंग इज अबाउट द डाइट डाइट में अगर हम बोलेंगे कि आप डाइटिंग कर लो तो थर्ड डे और फोर्थ डे होगा कि दे विल ईट मोर वी से दैट रिड्यूस योर जंक फूड टेक लॉट्स ऑफ वाटर लिकवाम वाटर इज वेरी गुड एंड आप थोड़ा सा कोशिश करें कि आप वेजीज पे ज्यादा जाए जो वेजिटेबल्स होती है जब वेजिटेबल्स आप खाना खाने के पहले वेजिटेबल्स खा लें तो आपको भूख कम लगेगी जिससे आप अदर चीजें कम खाओगे स्वीट्स को कोशिश करें ना लें कॉफी चॉकलेट कम कर लेर्ड थिंग इज अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेस के लिए कभी कभी एक बेसिक काउंसलिंग ओके होती है बट समाइम्स वी हैव टू गो फॉर मोर सेशन ऑफ द काउंसलिंग सेशन साइको काउंसलिंग सेशन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द पर्सन मोर काम क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर तो है चारों तरफ है सबको होते हैं तो उसमें काउंसलिंग की जरूरत होती है तीन इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि पीसीओडी में और पीसीओ में क्या फर्क है या नहीं है अपनी लाइफ को किस तरीके से बेहतर करना है और समस्या ज्यादा होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाना है घर पर इलाज बिल्कुल नहीं करना है आप इन तमाम चीजों को करेंगे तो आप बेहतर फील करेंगे और अपनी स्ट्रेस को आप अगर कम करेंगे तो पीसीओएस और पीसीओडी आपसे कहीं दूर भागेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर थैंक यू सो मच थैंक यू श्रेया Thanks everyone.